मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए विवाद। सदियों से चले आ रहे राम जन्मभूमि विवाद का फैसला होने के बाद अब देश में नया विवाद जन्म लेता नजर आ रहा है। अयोध्या में रामलला के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान ने भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी भूमि को मुक्त कराने के लिए गुहार लगाई है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशवदेव खेवट मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से उनकी अतंग सखी के रूप में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री विष्णु शंकर जैन और अन्य 5 लोगों ने दाखिल किया है। तो चलिए आज आपको विस्तार से बताते हैं कि इस मुकदमे के जरिए क्या मांग की जा रही है और इसके साथ ही इतिहास के पन्नों को टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुकदमे की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व और शाही ईदगाह के हटाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक वाद दायर किया गया था। इस याचिका को लेकर 1968 में हुए समझौते को गलत बताया और इस समझौते को रद्द करने की बात की गई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर 13.37 एकड़ भूमि जो राजा पटनीमल के 1815 में खरीदी थी, उनके पास इस भूमि को खरीदने के डॉक्यूमेंट थे। इस याचिका में इतिहासकार जद्दूनाथ सरकार और इटालियन ट्रैवलर निकोला मानुची का भी जिक्र किया गया है, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जन्म स्थान पर कटरा केशव देव में एक कृष्ण मंदिर मौजूद था और इसे जनवरी या फरवरी में 1670 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि इस याचिका को लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का कहना है कि इस केस में उनका कोई लेना देना नहीं है। 1968 का समझौता आखिर है क्या? मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई है। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के हिंदू राजा को उस जमीन की कानूनी अधिकार सौंप दिए थे जिस पर मस्जिद खड़ी हुई है। 7 फरवरी 1944 को जुगल किशोर बिरला ने मदन मोहन मालवीय के कहने पर कटरा केशव देव की जमीन राजा पटनीमल के वंशजों से खरीद ली थी। 1951 में यह तय हुआ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। लेकिन ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही मथुरा में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने 1945 में एक रिट दायर कर दी थी, जिसका फैसला 1953 में आया और उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। हालांकि यह याचिका को लेकर मथुरा के पुजारी भी भड़के हुए हैं। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की ओर से अदालत में याचिका दायर किए जाने पर गलत बताया गया। महासभा के प्रमुख महेश पाठक का कहना है कि कुछ बाहरी लोग मथुरा की शांति को भंग करना चाहते हैं। उन्होंने भी 1968 में हुए फैसले को सही बताया है। सियासी गलियारों की हलचल। अब मामला धर्म का है तो सियासी गलियारों में हलचल होना लाजमी है। आज से 30 साल पहले अयोध्या आंदोलन के दौरान एक नारा लगाया गया था, अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब इस नारे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस मामले में कहीं बीजेपी या आरएसएस का हाथ तो नहीं है।